आज तू पिटेगा भाई, आज तू बहुत पिटने वाला है। किधर किधर सर कायलियो खटिया जाड़ा लगे, सर कायलियो खटिया जाड़ा लगे। मेरा नाम लाडला खान है, कालेपुर उड़ीसा से हूँ। सलीम भाई का वीडियो इसलिए देखता हूँ कि मुझे बहुत खुशी मिलती है, खुशी मतलब मोटिवेशन मिलता है, बहुत चीज सीखने को मिलता है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। वैसे आज का वीडियो अपलोड करके हो गया था, सिर्फ 5 मिनट लेट था। 5 मिनट चलता है ना यार, ट्रैवल के टाइम कभी कभी ऐसा हो जाता है। अरे बचाए तेरे लिए। एक मेरे को चीज पता क्या लगी अभी, अगर तेरे पास छोटा कैमरा होता ना तो गले में भी रख लेता, जाते हुए वाला शॉट लेता। ठीक है, डन है। आई एम कॉम्प्लेन बॉय। मैं अपना पैनियर भर रहा था और इसमें पहले से कुछ चीज भरा हुआ है। ये वाले पैनियर में नहीं है शायद से, नहीं ये वाले पैनियर को कुछ नहीं हुआ है, ये वाले पैनियर में पानी भर गया है। कैसे यार, कैसे, व्हाट अ प्रूफ है ये। अब गड़बड़ ना हुआ हो। ये भी निकला है। हाँ ये भी आ गया अंदर। कैसे है तू दोस्त, इधर से उठ जा, अबे अंदर मत घुसना, बाहर जा। क्या करे इसका यार, निकाल पानी निकाल पहले तो, उसके बाद समझते हैं। तुम गीला हो गया यार, ये तो गड़बड़ है यार, बहुत तगड़ी गड़बड़ है। पहले पानी निकालना नहीं क्या? पानी निकालना तो है दोस्त, पानी तो निकालना है। डन है जी, सत्या पहले चले गया, सामान भी सब चले गया, मुझे उसने काम दिया है कि आते टाइम देख के आना, कोई चीज छूटा ना, मुझे उसने काम दिया है जिसको भूलने की बीमारी। आप लोगों ने रूम तो देखा था, मैं आपसे नीचे बोल रहा हूँ। रूम के बाहर कुछ ऐसा नजारा है, यहाँ स्विमिंग पूल है। आप लोगों को पता होगा मेरा एक फैमिली ट्रिप था मनाली का, तो जाते वक्त हम यहीं पर ही रुके थे। ये मतलब एग्जैक्टली उदयपुर में नहीं है लेकिन आउटस्कर्ट में पड़ जाता है उदयपुर के। तेरे को लगता है रेन जैकेट बाहर रखनी चाहिए? हाँ 110%। हाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं है दोस्त, जब पता है ना क्या हुआ था हमारे साथ, आज तू मार खाएगा मेरे हाथ से। मैंने आप लोगों को कहा था कि टाइगर को पीछे लेना मुश्किल है, वो तब जब टॉप बॉक्स और पैनर लगे होते हैं। अभी तो मैं यूं ले सकता हूँ, यूं देखना है क्या, देखना है क्या, तेरे को भी देखना है क्या? हाँ देख रहे हो। ए, किरण चल जा। ठीक है बस 2 मिनट से पकड़ के रख। क्या सही दिख रही है यार, ऐसा लग रहा है दो मुसाफिर निकल पड़े। क्या सिमेट्रिक, मैंने पता है क्या बोला, ऐसा लग रहा है दो मुसाफिर निकल पड़े। पहुंच ही नहीं रहे ऐसे मुसाफिर है। आज तू पहुंचेगा दोस्त, आज तू पहुंचेगा। मेरी बाइक को लोड करने में जितना टाइम नहीं लगाना, उससे ज्यादा टाइम मेरी बाइक में लगता है, क्योंकि दिस इज अ हैवी ड्राइवर। और ये होता है दोस्तों का, थोड़ा ज्यादा ही होता है। जैसे कल मेरी बाइक पे वो लड़का बैठ गया था, मैंने जितना नहीं चिल्लाया है उसने इतना ज्यादा चिल्ला दिया। बुरा लगता है ब्रो, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है ना। मैंने नहीं चिल्लाया ज्यादा, इसने चिल्ला दिया। तो उसी तरह से मतलब अपने भी जब झगड़े होते हैं ना, अपने वजह से नहीं होता है, दोस्तों की वजह से होता है। मेरे भी आज तक झगड़े हुए तो सिर्फ दोस्तों की वजह से। तो तेरा कभी भी झगड़ा होगा तो मैं ही मार रहा हूँ, कम मार इधर से, मत मार ब्रो। तो वैसे ही होता है, सारा चीज दोस्तों के लिए ज्यादा होता है, चाहे वो काम हो, चाहे वो झगड़ा हो, चाहे वो प्यार हो, खुद के लिए कुछ नहीं होता, आदमी गरीब होता है। क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, दोस्ती है। और दोस्त को जब मैं मारू तो चलेगा, कोई और मारे तो फिर बर्दाश्त नहीं, लेकिन आज तुम आज अगर नहीं पहुंचाना तो मार खाएगा, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। ये है हमारा आलू के पराठे, आज का हमारा ब्रेकफास्ट। यहाँ से दिल्ली है 648 किलोमीटर, 11 घंटे लगेंगे और हमें आज ही पहुंचना है। आज तेरे को थोड़ा खींचना पड़ेगा, मेरी गाड़ी आज फटके निकलेगी, आज तेरे को खींचना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, संभाल संभाल के चलाना, ब्रेक कम लेंगे और फटाफट पहुंचने की कोशिश करेंगे। आज दिल्ली तो पहुंचा देना दोस्त, लोग ना हमारे पे हंसेंगे अगर आज दिल्ली नहीं पहुंचे तो। आज तो पहुंचना ही है, आज सुबह से ना इसने मेरे को जिस तरीके से कर रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को क्या ही बताऊं, डंडा लेके रखते हो अपने पास। पुलिस वाले लेता है, चल चला के चला। ठीक है भाई चलो फिर निकलते हैं। चलो सब रेडी हो चुका है, कल मेरी मम्मी का फोन आया था, कह रहे थे बेटा संभाल संभाल के चलाओ, अल्लाह का नाम लेके। ठीक है मैप सेट है, अल्लाह का नाम ले लेते हैं, अल्लाह हिफाजत करेगा हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने चलाया था 258 किलोमीटर, ट्रिप जीरो। चलिए आज का हमारा है 648 किलोमीटर, देखते हैं। मौसम एकदम साफ है, ना ज्यादा धूप है ना ज्यादा गर्मी है, अभी हल्की हल्की सी ठंड लग रही है, बारिश भी नहीं है, परफेक्ट वेदर फॉर राइडिंग। राजस्थानी फील्स आना स्टार्ट हो चुका है, और ना पता चल जाता है आप जैसे राजस्थान एंटर करते हो तो, क्योंकि यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स होते हैं या फिर मॉल्स होते हैं या घर भी होते हैं ना, उनका एक अलग स्टाइल होता है। जैसे रजवाड़ों वाला स्टाइल होता है ना, राजा लोग जैसे पहले रहा करते थे, वैसा स्टाइल वैसा टच हल्का हल्का सा सब जगह देखने को मिलता है। ये देखो एक कमर्शियल बिल्डिंग है लेकिन फुल ऑन राजा वाले स्टाइल में बनाया गया है। ये लेफ्ट वाली बिल्डिंग की अगर आप खिड़कियां देखोगे, देखो
फुल ऑन राजा महाराजा स्टाइल बोलो जुबा केसरी सत्या ऐसे कर ले। काश हमारे पास इंटरकॉम होता यार, इतनी बातें होती ना, इतनी मस्ती होती। मिस कर रहे हैं। उदयपुर शहर 5 किलोमीटर लेफ्ट में है, हमें जाना है राइट की तरफ और मैप भी वही दिखा रहा है राइट की तरफ। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये देखो बीच हाईवे पे इन्हें रेस्ट लेना है। राजस्थान में ये एक चीज है कि आपको रास्ते में बहुत सारे जानवर मिलेंगे तो संभाल संभाल के चलाना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रोड पे देखना है, रोड के साथ साथ लेफ्ट साइड में भी देखना है, राइट साइड में भी देखना है। रात के वक्त राजस्थान में राइड करना थोड़ा अवॉइड ही करो। ये जो गाय बैठी थी दिन था इसलिए दिख गया, रात होता ना तो नहीं दिखता। ये जब हम अपने होटल से निकले थे तब ये डिसाइड हुआ था कि 100 किलोमीटर बाद एक ब्रेक लेंगे और अभी अभी तक हमने चलाया है 91 किलोमीटर। सोच रहा था कि और 9 किलोमीटर चला लूं लेकिन यहाँ पर सामने टोल प्लाजा है और ये जगह अच्छी है, रुकने लायक है, तो इसलिए मैं रुक गया हूँ। और अभी सत्या पता नहीं किधर है क्योंकि मैंने तो बहुत रपाया है। 1 घंटा 21 मिनट कंटिन्यूसली गाड़ी चली है और 67 का एवरेज है मेरा। अभी टाइम हो रहा है 156। देखते हैं हमारे सत्तू मियां कब तक आते हैं। आ गया मेरे दोस्त, तू भी पहुंच गया। मेरे को लगा तू आराम से आएगा। मुझे लगा सत्या आएगा थोड़ा लेट। 156 में मैंने गाड़ी रुकाया था और 159 में आ गया। अपना चीता चीता है यार ये, हैं? हिमालयन पे भगाया है ये, बड़ा अच्छा हो गया। क्या हंस रहे रे? मैंने तेरा मुंह धोने का शॉट लिया था, आज तेरा मुंह धोने का शॉट मैं लेगा। दो अच्छे से दो। देखो तो सही, चेहरा कैसे हो गया यार, टमाटर हो गया टमाटर। हाँ ऐसा कर रहा जैसे कि है गंदगी तो बहुत है। राजस्थान में गर्मी बड़ी है, अचानक से कैसा मौसम बदला। हम लोग जब निकले तो एकदम सही था, एकदम बादल वादल थे और अच्छा खासा। अभी तो आगे थे इधर को पहले बोला। ओला भाई थैंक यू दोस्त। ठंडा दूं क्या? थोड़ा ठंडा देना, ठंडा ला, ठंडा ला, फुल ठंडा, फुल ठंडा, चिल चिल कर देगा तेरे को। ओ हो भाई मार के देख, मजा नहीं आया तो पैसे वापस। और सुकून भाई सुकून, इतनी तपती गर्मी में। अरे मेरे को लग रहा है एक ही मिनट में सूख जाएगा ये इतनी गर्मी है। तू उधर जाके यहाँ सूख जाएगा, आगे लगे मैं ही सूख जाऊंगा। अभी हमने यहाँ पर नींबू पानी ऑर्डर किया है ताकि थोड़ा बॉडी हाइड्रेट हो। वैसे मेरे पास ये हाइड्रेशन बैग है, बंटा है तू भी एक ले ले यार। दिल्ली जाके डीकैथलॉन जाएंगे, बहुत सारा सामान लेना है, इसलिए लिस्ट बनती जा रही है ना, इसलिए मैंने नहीं लिया वहाँ पर। अगर आप लोग के मन में ये सवाल है कि हाईवे पे चलते चलते अच्छी जगह कैसे ढूंढ लेता हूँ, देखो सिंपल तरीका है। ये जहाँ दिखे खटिया समझ लेना वो जगह अच्छी है। हमारा नींबू पानी आ चुका है। तेरे साथ ऐसी आड़ी टेढ़ी चीजों में चेयर्स करना पड़ता है। ओरिजिनल आड़ी टेढ़ी है, नींबू पानी है। ओरिजिनल चीज में नहीं करता ना चेयर। फील आ गया भाई, फील हुआ मुझे यहाँ से यहाँ तक, फील हुआ माइकल जैक्सन। कैसा फील हुआ? माइकल जैक्सन हो रे। हे तेरा लेंस का कैप इधर रखा हूँ। यहाँ पर ज्यादा टाइम हम रुके नहीं है, सिर्फ 15 मिनट के लिए रुके हैं, फटाफट निकलेंगे क्योंकि आज का डिस्टेंस हमें ज्यादा कवर करना है दोस्तों। चलो भाई कुछ सामान छूटा नहीं है, नेक्स्ट स्टॉप 100 किलोमीटर बाद। चलो भाई अब इसको पीछे लेना, होले 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 होले, आज इतने में निकल जाएगी। ओहो ओ आंटी कहाँ चले? खतरनाक वाले चटके लग रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि ग्लव्स पहन लो। अगर आप देखोगे ना तो आपको कलर डिफरेंस दिख रहा होगा। कूल चलो जी। अभी ना मैप ऐप में अगर कुछ हिलाना डुलाना है तो वो नहीं हो पाएगा। ऐसा होना चाहिए था कि टाइगर के डिस्प्ले में ही नेविगेशन दिखा रहा हो मस्त, फिर बटन वटन से टच वच कर लेंगे। ये अभी सब कुछ एक जगह पे मिल जाए तो फिर सब कुछ मिलने का एहसास बदल जाएगा। इस रोड पे ना ऐसे ट्रक बहुत देखने को मिलेंगे जो मार्बल ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन जितने भी ट्रक मार्बल को ट्रांसपोर्ट करते हैं ना वो लोग कोई सपोर्ट नहीं बांधते उसमें। मतलब अगर कुछ
इमरजेंसी ब्रेक मारा या फिर कुछ पत्थर वत्थर स्पीड ब्रेकर आ गया और ड्राइवर ने देखा नहीं ना, सारा का सारा मार्बल नीचे और जो गाड़ी या बाइक चला रहे और पीछे वाले का नुकसान। इसीलिए जब मुझे कोई ऐसा ट्रक दिखता है जो मार्बल लेके जा रहा है ना, मैं एकदम आराम आराम से देख के चौकन्ना होके जाता हूँ उसके बाजू से। कोई भरोसा नहीं है ना, गाड़ी चलाते वक्त ना एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी देखते रहनी चाहिए कि कैसे कैसे बचा जा सकता है। ओवरटेक करते टाइम जानवर को मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चलते रहते हैं, इमेजिनेशन की ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है, तो पहले से प्रिपेयर रहो। बाकी लू चल रही है यहाँ पर, लू टेम्परेचर बता दे क्या मेरा टाइगर? टेम्परेचर नहीं बता रहा है, नहीं नहीं दिखा रहा ना भाई, 32.5 टेम्परेचर है, उससे ज्यादा ही होगा। ये जो थर्मामीटर है जो टेम्परेचर नापता है ना, इसको मेरे जैकेट के अंदर डाल दो, सीधा 50 डिग्री हो जाएगा। अभी ना कहीं पे मुझे रुकना पड़ेगा, प्लान था 100 किलोमीटर और चलाने के बाद रुकना, लेकिन मेरा आईफोन गर्म होने की वजह से बंद पड़ गया है, उसका वो नोटिफिकेशन आ गया है। तो लेफ्ट साइड में कुछ भी अगर मुझे दिख जाएगा, अरे बाबा ओए है, ये क्या चीज़ है, ठीक नहीं लग रहा है। टोल गेट 1 किलोमीटर, टोल प्लाजा के पास कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अरे कुछ नहीं रे, कुछ नहीं, इधर थोड़ा छांव है, ये रुक जाते क्या? ये देखो टेम्परेचर, आईफोन इज टू कूल डाउन बिफोर यू कैन यूज इट, चटके लग रहे हैं। नहीं गिरा नहीं है, अबे उठ जाना थोड़ा सा। मैं तो उठ ही रहा था, तूने मेरे को जाने दे दिया। इधर गिरा, इधर गिरा, इधर गिरा, इधर गिरा।